Final preparations for UP's groundbreaking ceremony, GBC at Ivy. By the Yogi government are underway, marking a significant milestone in Uttar Pradesh economic landscape. This mega event, aimed at implementing investments of rupees 10 lakh crores, will be witnessed the presence of prominent industrialists from India and abroad as well as the Prime Minister and Chief Minister. On the other hand, on February 19th, GBC will also be organized in all 75 districts of UP. The Chief Minister's office said in a press release. Through the groundbreaking ceremony, a total of 14,537 projects with an investment of rupees 10 lakh, 15,583 crore are fully prepared to be implemented in the state. The district magistrate will play a crucial role in organizing the event in the districts. And Lucknow District Magistrate Surya Pal Gangwad reached Indira Gandhi Pratishthan and took stock of all the preparations for the program. During this, the district magistrate held a meeting with the officials of all the departments and prepared further strategy on the outline of the program. राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 4.0 का आगाज है जिसको निवेश की एक बड़ी धार बहेगी उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी सूरपार गंग जी यहाँ पे मौजूद हैं और आई में पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं खुद जायजा ले रहे हैं कैसी स्थिति है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे इनसे बात करते हैं सर आज आप यहाँ पे आए हुए हैं कि निरीक्षण करें किस तरीके के कि निर्देश हैं क्या तैयारियाँ हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्नीस तारीख को आयोजित की जा रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका इनग्रेशन किया जाएगा इसकी तैयारियां अपने जोरों पर चल रही हैं और सभी अधिकारियों को अलग अलग दायित्व तो निर्धारित किए गए हैं उनको आवंटित किए गए हैं और वो सभी लोग पूरे उत्साह के साथ यहाँ काम कर रहे हैं सर अगर बात करी जाए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेशक भी आएंगे बाहर से लोग आएंगे तो क्या उनके ठहरने का भी इंतज़ाम किया गया है और कितने नोडल अफसरों की नियुक्ति करी गई है कैसे लगभग पाँच हज़ार लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ठहरने का उपयुक्त बंदोबस्त किया गया है उनके यहाँ स्टे के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो पूरी तरह से सुरक्षित रहें इसका भी इंतजाम किया गया है जिलाधिकारी सोम पार गंगवार जी थे ये यह, जो यहाँ पे अभी निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं तस्वीरें अगर आपको एक बार दिखाएं तो देखिए यहां पे तमाम जगहों पर होर्डिंग लगा दी गई है जो पर्यटकों का पसंदीदा चीजें हैं उनको देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे उन्नीस फरवरी को ये आयोजन होगा यहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और साफ तौर से ये है कि इसमें खास बात है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश के सभी हिस्सों में निवेश की जो बयार है वो बहेगी इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो बावन प्रतिशत निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी साथ ही अगर प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में कहा जब बात करी जाए तो उसमें उनतीस प्रतिशत और मध्यांचल में चौदह कुछ इस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश को दस लाख करोड़ यानी कि एक ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य है उसको इसमें सीधा फोकस रखा जाएगा और जरूर यह बात अपने आप में जाहिर है कि निवेशकों की जो बयार है जो निवेश की बयार है वह पहुंचेगी और इसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी वीडियो जोनिस विजय के साथ अशर असरार असराबिल टीवी लखनऊ